हरे कृष्णा, मैं अभिषेक, आपका अद्वैत प्राणदास। तो हमने कुछ दिन पहले भगवद गीता की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम हर हफ्ते भगवद गीता के श्लोकों पर चर्चा करने वाले थे। तो वैसे हमने इसके पहले भगवद गीता के पहले श्लोक पर चर्चा की है, तो आज हम आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनका रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं। हमने इसके पहले जो पहला श्लोक था उसमें देखा था कि धृतराष्ट्र जी संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से आए उनके पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाना था और आज हम इसके आगे के श्लोक पढ़ने वाले हैं। अध्याय पहला, श्लोक दूसरा। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। तो आइए इस श्लोक का हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमने श्लोक पढ़ा, हम इसका अर्थ जानते हैं। जैसे पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, वैसे ही सेकंड जो श्लोक है अभी हमने जो पढ़ा, उसमें संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देख कर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो आप समझ सकते हैं कि ये धृतराष्ट्र को जवाब दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अभी अपने गुरु के पास गए और उनसे कुछ शब्द कहे। अब क्या शब्द कहे हमें तीसरे श्लोक में देखने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं कि जो इंटरलिंक जो श्लोकाज है ना, उन्हें साथ में कवर कर लेते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो अभी हम देखेंगे तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक का क्या महत्व है, तो पहले हम पढ़ लेते तीसरा श्लोक क्या है, फिर उसके बाद उसका अर्थ जानेंगे, फिर सारे श्लोकों को कंबाइन करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि उससे हमें क्या मिल रहा है। अध्याय पहला, श्लोक तीसरा। पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अभी हमने देखा तीसरा श्लोक, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अर्थ है तीसरे श्लोक का। तो इसके पहले हमने देखा था पहला श्लोक, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उनके लड़के और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। सेकंड श्लोक में संजय उनको जवाब दे रहे हैं कि अभी दुर्योधन अपने गुरु के पास जा रहे हैं और उनसे कुछ शब्द कह रहे हैं। तो क्या शब्द कह रहे हैं ये अभी हमें तीसरे श्लोक में समझने वाला है। तो अभी हमने जैसे देखा तीसरा श्लोक, तो आइए जानते हैं उसका अर्थ क्या है। तीसरे श्लोक में दुर्योधन बात कर रहे हैं द्रोणाचार्य, जो उनके गुरु है। दुर्योधन इस तरह बोलते हैं, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो देखिए कि वो पहले क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि पहले देखिए पांडुपुत्रों की विशाल सेना और इसकी व्यवस्था किसने की है। तो इसकी व्यवस्था की है आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने। द्रुपद के पुत्र का नाम क्या था? द्रुपद के पुत्र का नाम था दृष्टद्युम्न। और द्रुपद ने अपने पुत्र को कैसे प्राप्त किया था, आपने महाभारत में देखा ही होगा कि यज्ञ द्वारा उनकी प्राप्ति हुई थी। दृष्टद्युम्न का एक ही कर्तव्य था कि उन्हें वध करना था द्रोणाचार्य का। अब द्रोणाचार्य को तो पता था कि भाई दृष्टद्युम्न उनका वध करने वाला है, फिर भी द्रोणाचार्य ने द्रुपद पुत्र को दृष्टद्युम्न को शिक्षा दी युद्ध कला की। तो देखिए द्रोणाचार्य ने अपना कर्तव्य पूर्ण किया था, तो इसी के लिए दुर्योधन उन्हें टॉन्ट कर रहे हैं कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने इसकी व्यवस्था की है, आप ही ने तो उसे सिखाया है ना, अब आप ही ने सिखाया है तो वो आपके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इस श्लोक में दुर्योधन इस तरह उनसे बात करते हैं। आगे के श्लोक में हम अगले इसमें देखेंगे, अगले वीडियो में, कि क्या चर्चा होती है और चर्चा किस लेवल पे जाती है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास भगवद गीता यथारूप नहीं है तो आज ही ऑर्डर कर लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मैं तो सिर्फ आपको अर्थ बता रहा हूँ, इसका डिटेल तात्पर्य इस भगवद गीता में दिया हुआ है। बताते हुए कुछ गलतियाँ मुझसे हो सकती है, पर ये जो तात्पर्य है ये एज इट इज़ है, इसमें आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।